हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, मज़े से होंगे और मस्ती से होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैं एक रेसिपी जो बना रही हूँ, वो तो सब लोग बनाते हैं लेकिन मैं थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ। तो ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, ये मेरी देवरानी का बताया हुआ रेसिपी है, क्योंकि वो बनाई थी जब मैं घर गई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं खाई भी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, कम समय में झटपट बनने वाला नाश्ता खाना, जो भी आप जैसे भी खा सकते हैं आप। बहुत अच्छी रेसिपी है और सब लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, पर सब लोग अरवा चावल से बनाते हैं, पर मैं ये उसना चावल से बना रही हूँ और बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे अरवा चावल से बना होता है तो वो थोड़ा खींचता है, लेकिन ये जो है ये आपको खींचेगा नहीं, मतलब आप तोड़ेंगे तो एकदम आराम से टूट जाएंगे, कोई लोग भी खा सकते हैं इसको, बहुत आराम से बन जाता है फ्रेंड्स। तो है तो ये, मैं तो इसको इवनिंग के टाइम पर बनाई हूँ फ्रेंड्स, पर ये वीडियो जाते जाते नाइट हो जाएगी, तो इसलिए फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एक साथ ही बोल रही हूँ। तो हम लोग तो इसे नाइट में ही खा पाएंगे, तो आप लोग भी नाइट में ही खाइएगा मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शेयर करते हैं, आ जाइए। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ चावल का चीला, तो इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है, आप अपने हिसाब से कितने लोग हैं उस हिसाब से डालें। और ये एक ये बड़ा चम्मच है, टेबल स्पून, एक टेबल स्पून ये मैंने मसूर का दाल लिया है, और ये उसना चावल है फ्रेंड्स, पहले भी बताया था। और ये आधा चम्मच, आधा बड़े चम्मच चना का दाल है और आधा बड़े चम्मच मूंग का दाल है, इतना ही डालना है, दाल ज़्यादा नहीं डालना, वरना वो दाल दाल टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसको तो ज़्यादा देर रखना नहीं है। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची मैं इसमें भी और डालूंगी, तो ये मैं दिखाने के लिए इतना सा रखी थी। तो इसको मैं चार पांच पानी से धोकर 8 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये फ्रेंड्स देखिए, जब तक साफ पानी ना आ जाए, ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, तब तक इसको धोना है, क्योंकि बहुत पाउडर निकलता है दाल चावल दोनों में ही। इसको ढक कर मैं 7-8 घंटे के लिए छोड़ दी हूँ। 7-8 घंटे बाद हमारा चावल देखिए भीग गया, दाल चावल और उसना ही चावल डालें फ्रेंड्स, देखिए ये टूटने लगेगा। इसको पीसने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये फ़ायदेमंद भी है बासमती चावल के मुकाबले में, पचने में भी आसान होता है और टेस्ट भी अलग सा आता है। तो देखिए, इसमें मैं काली मिर्च डालूंगी इसको पीसने में, तो मैं एक साथ ही मिक्सी में डाल देती हूँ। और ये अदरक लहसुन 5-7 हरी मिर्ची ली है, अदरक थोड़ा ज़्यादा लिया है और 4-5 कलियाँ लहसुन। आप लहसुन खाते हैं तो डालें, नहीं खाते तो नहीं डालें, पर डालने से अच्छा लगेगा टेस्ट। तो अब मैं इसको पीस लूँगी और पानी कम डाल कर पीसे फ्रेंड्स, तभी ये जल्दी पीसेगा और महीन पीसेगा। महीन पीसना है इसको, एकदम बारीक पीसना है, थोड़ा रुक रुक कर पीस लें तो ये आराम से पीस जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक कंटिन्यू मिक्सी चलाने से भी वो जार जो है गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा रुक रुक कर पीस लें। और इसमें मैं हल्दी और नमक डालूंगी, बस इतना ही डालूंगी और मसाले कुछ भी नहीं डालूंगी, बाद में धनिया पत्ती डालूंगी। तो देखिए, मैं इसको मिक्सी में पीस ली हूँ, देखिए पेस्ट पतला हो गया। अभी इसको और पीसना है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें जितनी हल्दी मुझे डालना है मैं डाल लेती हूँ, मैंने 1 टीस्पून डाला है,
आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें, पर डालने से कलर थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग भारतीय लोग हल्दी किसी भी चीज़ में डालना शुभ मानते हैं, तो हल्दी डालना ही चाहिए, फ़ायदेमंद भी है सेहत के लिए। तो देखिए हल्दी डालकर मैंने पीस लिया, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पोरिंग होनी चाहिए। देखिए ऐसा डोसा का बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है, इडली का गाढ़ा होता है, पर इसकी क्योंकि इसका चीला बनाना है मुझे, इसलिए पोरिंग होनी चाहिए। और इसे मैं नॉनस्टिक में बनाऊंगी। इसके साथ आप कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, आप ऐसे ही आराम से खा लेंगे बहुत अच्छे से। या तो आप हरी चटनी पीस लें, तो मैं तो नहीं पीसी हूँ। देखिए मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ उसमें। हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दिया था ताकि अच्छे से मिल गया मिक्सी में। आप चाहें तो इसमें खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो इसे मिक्स कर दिया नमक को अच्छे से। इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी, धनिया पत्ती काट कर मैंने रखा हुआ है। देखिए कुछ ऐसा, आपको ज़रूरत लगे तो पानी बाद में डाल सकते हैं, पर पहले ना डालें। अगर बहुत पतली हो जाएगी तो फिर दिक्कत करेगा बनने में, बहुत गाढ़ी होने से। तो आप बाद में डाल सकते हैं उसको, पानी डालकर बैलेंस कर सकते हैं। और ज़्यादा पतली हो जाएगी फिर कुछ नहीं कर सकते। तो धनिया पत्ती डाल दिए, मिक्स कर देती हूँ। और नॉन स्टिक तवे पर आप या तो सरसों तेल से बनाएं, या वेजिटेबल ऑयल, या राइस, मैं तो राइस ब्रेन ऑयल में बनाती हूँ। कोई भी तले छानने या जो भी हो, पूरी पराठे में राइस ब्रेन ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इस तरह का रहेगा हमारा बैटर। मैं इसे गैस पे बनाऊंगी, नॉन स्टिक तवे पर, बिल्कुल कम तेल में बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिएगा, ये मैंने तेल ले लिया है। आप चाहे तो सरसों तेल में भी बना सकते हैं, इसमें तेल बहुत ही कम लगेगा। तो पहले मैं तवे को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लूँगी, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम में बनाऊँगी इसको। बहुत अच्छे से लगेगा, मैंने तवे को धो लिया है। तवा जब गर्म हो जाएगा हमारा, फिर मैं इसे ब्रश से ग्रीस करूँगी ऑयल को। बस इसमें तेल डालूँगी नहीं, बस ग्रीस करना है, क्योंकि नॉनस्टिक ऐसे भी तेल सूखता नहीं है जल्दी। देखिए मैंने पीस कर भी 10 मिनट छोड़ दिया था, तो आपको थोड़ी सी और गाढ़ी लग रही होगी। तवा हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसको ब्रश से ग्रीस कर देती हूँ। देखिए चारों तरफ इसको अच्छे से लगा देती हूँ। इसके बाद आप नहीं भी तेल डालेंगे ना, आपका ऐसे ही बनते चला जाएगा फ्रेंड्स। और तेल डालने से थोड़ा अच्छा लगता है, हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत आराम से बन जाते फ्रेंड्स, हमारा तवा थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं इसे दो करछुल डाली हूँ और इसको फैला देती हूँ। हमारा जो चीला है वो पतला सा हो गया है। मैं इसको तब तक नहीं पलटूंगी जब तक ये ऊपर से सूख नहीं जाता, जैसे पानी पानी जैसा है गीला गीला, वो सूख जाएगा फिर
फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा ब्रश से ऑयल छिड़क दूँगी, उसके बाद पलट दूँगी। ठीक है, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, बीच बीच में आपको कच्चा कच्चा लग रहा होगा, बीच बीच में सूखा सूखा लग रहा होगा। वो जब कच्चा तक सूख जाएगा, ड्राई लगेगा, दिखने लगेगा, तब मैं इसे पलट दूँगी, फिर आपका बिखरेगा नहीं। ऑयल इसमें छिड़क दिया, लस्सी तमारी डालना है तेल में, फिलहाल मैं इसको फेल दूँगी, बस से लगा दिया चारों तरफ, इसको फैला दिया। देखिए ये हमारा आसानी से अब उठ जा रहा है, और इसे पलट दूँगी। देखिए ना अच्छा लग रहा है ना, देखो आ रहा है ना फ्रेंड्स मुँह में पानी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को फ्रेंड्स, और उतना चावल से बनाइएगा, उसमें मज़ा आ जाएगा खाकर। देखिए मैंने दोनों तरफ से पलट दिया, ये सीख गया है, ज़्यादा इसको करारा नहीं करना है। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया, ये पहला चीला आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। इसी तरह से बाकी के चीले भी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हम लोगों को जितना जो खाना होगा फ्रेंड्स उतना ही बनाएंगे, बाकी का मैं जो उसका बैटर है वो उठा कर रख दूँगी फ्रिज में, फिर कभी बना लूँगी किसी दिन। ज़्यादा गर्म तवे पर ना डालें फ्रेंड्स, वरना ये जो फैलाते हैं उस टाइम चिपक जाएगा। आपको देखिए तो हमारा थोड़ा गर्म था इसलिए चिपक गया बीच में, इसलिए जब भी डालें तो तवा को एकदम सिम कर दें, पहला बनने के बाद उसके बाद सिम कर दें तवा को, फिर डालें। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, और बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ये खाने में मज़ा आ जाता है। आप इसे चाय के साथ, अचार के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिस किसी के भी साथ आप खा सकते हैं इसको। हम लोग तो इसे शाम के नाश्ते में बना रहे थे, पर ये रात का खाना हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड से उलट पलट कर सेक लूँगी फ्रेंड्स, इस तरह से अपने ज़रूरत के हिसाब से सारा बना लिया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए रात के खाने में, चीला और सॉस, देखिए मैंने अचार भी रख दिया है, और खा लीजिए फ्रेंड्स, और खा कर बताइएगा कि कैसी बनी है हमारी ये रेसिपी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैं वीडियो का करती हूँ द एंड, तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।